हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग द गैसियज स्टेट आज हम बात करेंगे बैरोमीटर एंड मैनोमीटर की बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारे ऊपर है हवा में ओ टू एंड टू के मेजर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं मेजर कंपोजिशन में तो दे एग्जैक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सम प्रेशर ऑन अस दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लिखो हेडिंग बैरोमीटर क्या है ये अ डिवाइस यूज टू मेजर एटमोस्फ्रिक प्रेशर अ डिवाइस यूज टू मेजर एटमोस्फ्रिक प्रेशर दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर बहुत ही सिंपल बैरोमीटर टॉरिसिली ने ये बैरोमीटर एटमोस्फिक प्रेशर मेजर किया था आरार, आरार था। सी, आई, तौरिसली, पाई तौरिसली। क्या था? बहुत सिंपल सा सेटअप था एक एक लिया, जिसके अंदर मर्करी भर दिया लिक्विड मर्करी वाई मरकरी इज टेकन वी विल टेक एंड देन टूकेट ट्यूब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है थोड़ी बन नहीं पाई बट uh, uh, मान लेंगे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है यहां पर मरकरी फील्ड है यहां भी एक मर्करी फील्ड है एच जी लिक्विड एंड द हाइट ऑफ दिस एच इज मेजर्ड इन द कैपेबिलिटी ऑफ एंड ही प्रेशर अप्लीकेबल इज एटमोसफिर प्रेशर पी एटमोसफियर मान लो ये पॉइंट कुछ ए है ये पॉइंट कुछ बी है ये पॉइंट कुछ सी है ए बी सी तो एक कैपिलरी ट्यूब को डिप कर दिया लगभग वन मीटर की ट्यूब लेते हैं विच इज डिप्ड इनटू द लिक्विड मर्करी और वैक्यूम यहां वैक्यूम होना चाहिए वैक्यूम तो वैक्यूम होता है यहां पर तो अब प्रेशर क्या है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर So, what is atmospheric pressure? Pressure exerted by atmospheric gases under the effect of gravity. तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एटमोस्फ्रिक गैसेज जो होती हैं दे एक्ट प्रेशर दैट इज कॉल्ड एटमोस्फ्रिक प्रेशर तो जैसे अब आ, आप और हम हैं यहां तो हमारे ऊपर भी एक एटमोस्फिर है एटमोस्फ्रिक कॉलम ऑफ नियरली 150-160 वन सिक्सटी किलोमीटर्स हालांकि शुरुआत का 5 से 10 किलोमीटर का जो एयर कॉलम है दैट इज क्वाइट डेंस उसके बाद डेंसिटी ऑफ एयर गो ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो टू द हायर एल्टीट्यूड तो प्रेशर एक्ट बी क्वाइट लेस एंटायर जो एटमोसफियर है डेढ़ सौ किलोमीटर के आसपास का उसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देयर वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट पर यूनिट एरिया प्रेशर इज प्रेशर तो दैट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द एयर मॉलिक्यूल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एटमोस्फ्रिक प्रेशर तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमोसफ्रिक गैसेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड एटमोसफ्रिक प्रेशर अब बात आती है प्रेशर कॉन्सेप्ट क्या है कैलकुलेशन का यही है कि जैसे एक हमने रूम मान लो ग्राउंड स्टेट पर ये मतलब ग्राउंड लेवल पर ये एक मर्करी का एक कंटेनर ले लिया उसमें ऊपर डिप डिप वैक्यूम होता है और पॉइंट ए पर जो प्रेशर है पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा वही बी पर होगा वही सी पर होगा ए पर प्रेशर कौन डाल रहा है कॉलम अब तो कौन सा कॉलम है ए के ऊपर एयरी एयर है पूरे में हवाई हवा है और वो कॉलम कितना है जो भी कॉलम होगा 150, 160 किलोमीटर जो भी कॉलम है एटमोस्फ्रिक एयर का दैट इज एक्टिंग द प्रेशर बट द सेम प्रेशर इज इज एट बी बट हु प्रेश्जैटिंग द प्रेशर एट बी मरकरी कॉलम मरकरी कॉलम ऑफ हाइट एच ऊपर तो वैक्यूम है यहां पर तो बी पर प्रेशर इज कॉस्ड बाय द मरकरी कॉलम ए पर प्रेशर इज कॉस्ड बाय द एटमोस्फ्रिक कॉलम ऑफ ह्यूज वन सिक्सटी किलोमीटर अच्छा ए पर और प्रेशर बी पर प्रेशर क्यों बराबर होंगे कीप इन माइंड दैट इन लिक्विड लिक्विड की डेंसिटी काफी लार्ज होती है इन लिक्विड प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल लेवल एवरीवेयर इज सेम सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा तो लिखेंगे इन ए लिक्विड प्रेशर इन अ हॉरिजॉन्टल लेवल सेम एवरीवेयर तो किसी लिक्विड के अंदर प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल लेवल सेम जैसे आप मान लो स्विमिंग पूल में स्विम कर रहे हो या समुद्र में जाते हो आप जैसे जैसे गहरे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है आपके ऊपर क्योंकि आपके ऊपर का जो वाटर कॉलम है दैट इज आल्सो एग्जिंग एट प्रेशर अपार्ट फ्रॉम द एटमोसफिर प्रेशर तो आप समुद्र में सी में या मान लो किसी स्विमिंग पूल में एक मीटर पानी के नीचे जाए तो आप पे प्रेशर एक जगह पर एक मीटर जाए या किसी दूसरी जगह पर वन मीटर डाउन जाए प्रेशर वुड बी सेम तो इन लिक्विड प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम एवरीवेयर तो इसका मतलब जरा ग्राफ को देखो तो क्या कह सकते हैं यहां से यहां से हम एक बात कह सकते हैं इसका मतलब कि प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी और ए पर प्रेशर क्या है एटमोस्फिक प्रेशर तो पी एटमोस्फियर इज इक्वल टू प्रेशर एट बी एंड बी पर प्रेशर कौन डाल रहा है बी पर प्रेशर डाल रहा है कॉलम ऑफ हाइट एच ऑफ मरकरी तो कितना प्रेशर डालेगा एम जी अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब तो जरा यहां से सॉल्व करो तो क्या बोल देंगे फिर तो पी एटमोस्फियर की वैल्यू क्या हो गई दैट वुड बी इक्वल टू वॉट एमजी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन ए डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू वट इज वॉल्यूम ऑफ दिस मर्करी कॉलम यूनिफॉर्म क्रॉस एक्शन की ट्यूब है तो एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन इंटू हाइट एच इंटू जी अपॉन ए जरा इसको सॉल्व करो तो दिस कम्स आउट टू बी एच डी मरकरी इंटू जी दिस इज पी एटमोसफियर यही है एक्सप्रेशन तो पी एटमोसफियर एटमोस्फियर प्रेशर की वैल्यू आ गई एच डी जी अच्छा ये वैल्यू रखो एट ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल पर क्या पाया जाता है एच की वैल्यू मर्करी के लिए दिस इज पाउंड टू बी नियरली पॉइंट सेवन सिक्स मीटर तो इसका मतलब एटमोस प्रेशर की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितनी आ गई ग्राउंड लेवल पर मर्क दैट इज थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू टें थ्री किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू ग्रेविटी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नाइन पॉइंट एट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग कम्स आउट टू बी वन पॉइंट जीरो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज द वैल्यू ऑफ एटमोसफियर प्रेशर जो आपने पहले याद भी किया हुआ है इसको uh, हम कई बार वन एटमोस्फियर भी बोल देते हैं और इट इज कॉल्ड वन और सिंपली वन एटीएम एट ग्राउंड लेवल ग्राउंड तो लेवल पर एटमोस्फिर प्रेशर की वैल्यू वन एटमॉस्फेयर होती है बट ध्यान दें एटमोस्फिर प्रेशर इज वेरिएबल विद एल्टीट्यूड वन एटमॉस्फेयर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ग्राउंड लेवल क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हम एटमोसफिर प्रेशर क्या मान लेंगे वन एटमॉस्फेयर हाउ एवर नोट दैट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ एवर नोट दैट एटमोस्फ्रिक प्रेशर इज वेरिएबल एंड चेंजेस विद एल्टीट्यूड अगर हवा में दो किलोमीटर पाँच किलोमीटर या दस किलोमीटर ऊपर चले जाए तो ऑब्वियसली प्रेशर तो कौन डालेगा हम पे प्रेशर कौन लगेगा मान लो मैं दस किलोमीटर हवा में ऊपर चला गया माउंट कैलाश पे चला गया माउंट एवरेस्ट पे चला गया तो नीचे जो एयर रह गई वो थोड़ी एक्सेप्ट करेगी प्रेशर प्रेशर कौन डालते हैं ऊपर वाले प्रेशर कौन सा डालेगी ऊपर वाली गैस अंडर द इफैक्ट ऑफ ग्रेविटी तो एटमोसफियर प्रेशर चेंजेस और इट डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड एट हायर एल्टीट्यूड एटमोसफियर प्रेशर इज लेस देन वन एटमोस्फियर तो एटमोसफियर प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ग्राउंड लेवल पे वन एटमोसफियर ले लिया जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एट द हायर एल्टीट्यूड एटमोसफियर प्रेशर विल डिक्रीज तो कह सकते हैं एल्टीट्यूड जितना ज्यादा होगा एटमोस्फियर प्रेशर की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी आप 150, 160 किलोमीटर का जो एयर कॉलम है उसको ऊपर जाके बैठ जाओ यू विल फेस वैक्यूम देर आर नो एयर मॉलिक्यूल्स टू एक्सट प्रेशर ऑन यू नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर नॉट देयर तो इसका मतलब जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे प्रेशर विल गो ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एटमोसफियर और एटमोस्फिर प्रेशर तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर अब मान लो इसी को हम इस तरीके से भी कहें एटमोसफिर प्रेशर मेजर करने के लिए मान लो एक कंटेनर है ओपन वेसल है इसके अंदर मान लो एच मरकरी लिया हुआ है लिक्विड सर्टेन हाइट है एच तो अब ये ओपन वेसल है तो ओपन वेसल है तो मान लो ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है सरफेस एट द बॉटम पर तो ए पर प्रेशर कितना लग रहा होगा भाई बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर पी एटमोस्फियर जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी और ना दी हुई हो तो क्या मान लेंगे वन एटमोसफियर और बी पर प्रेशर कितना होगा देन वी शुड नो द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम तो मरकरी कॉलम की हाइट हमें पता होगी तो वी कैन कैलकुलेट तो प्रेशर एट ए इज वॉट पी एटमोसफियर एंड प्रेशर ऑफ बी विल बी वॉट बी पर प्रेशर कौन डालेंगे ऊपर वाले ऊपर वाले कौन एक तो कॉलम ऑफ मरकर ऑफ द हाइट एच और कौन एटमोसफियर कॉलम एटमोस एटमोस्फ्रिक प्रेशर प्लस एच डी जी वेट इज द डेंसिटी ऑफ द मरकरी वो याद भी रखनी है थर्टीन पॉइंट सिक्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब और थर्टीन पॉइंट सिक्स ग्राम पर एम एल तो बी पर प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस तो प्रेशर कौन डालेंगे ऊपर वाले ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स को याद करने के लिए हु एक्सर्ट्स प्रेशर ऊपर वाले बी पे प्रेशर कौन डालेगा ऊपर में जो जो होंगे कौन अ कॉलम ऑफ मरकरी ऑफ हाइट एच एंड अ कॉलम ऑफ एयर ऑफ द हाइट व्हाटएवर 150 160 किमी दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है ये प्रेशर तो इसके ऊपर चलो अब एक दो क्वेश्चन भी लेते हैं हम लेट अस टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस अच्छा यहीं पे एक नोट भी आएगा मरकरी क्यों लिया वाई मरकरी इज यूज एज बैरोमेट्रिक फ्लूड बैरोमीटर में यूज होने वाला फ्लूड मरकरी क्यों है बिकॉज फर्स्ट इट does not stick with walls of glass tube, capillary tube. तो कांच की दीवारों से चपकता नहीं है यह इसकी प्रॉपर्टी है Density is considerably high, density of mercury liquid is considerably high. So, uh, lesser length of tube. Is needed to measure atmospheric pressure. And third, the most important mercury liquid is non volatile, is almost non volatile. अंडर रूम कंडीशंस रूम टेम्परेचर कंडीशन पर मर्करी नॉन वॉलिटाइल है सो मेंटेन्स वैक्यूम अबव मर्करी लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इन कैपिलरी ट्यूब, इन एम्प्टी स्पेस यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है फॉल्टी बैरोमीटर यही पे एक टर्म आता है फॉल्टी बैरोमीटर जैसे बैरोमीटर ये बनाया था ना अभी देखो ये बैरोमीटर था फॉर एग्जाम्पल यहां तक हमने मर्के लिक्विड है ये मान लीजिए यहां भी मर्क्यूरी ले लिया था मान लो और इसमें कहा था हमने वैक्यूम है स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुने अगर यह वैक्यूम ना होकर के कोई गैस ट्रैप हो जाती है इन स्टेट ऑफ वैक्यूम इफ गैस इज ट्रैप्ड इन स्टेट ऑफ वैक्यूम इफ एनी गैस इज ट्रैप्ड देन रीडिंग जो आती है आपके बैरोमीटर की वो फॉल्टिंग रीडिंग होती है और एटमोसफियर प्रेशर रॉन्ग आता देन द देन द बैरोमीटर रीडिंग विल बी लेस देन द एक्चुअल एटमोस्फिर प्रेशर अगर यहां कोई गैस भरी होती है इन स्टेड ऑफ वैक्यूम इफ एनी गैस इज ट्रैप्ड देन द बैरोमीटर रीडिंग विल बी लेस देन द एक्चुअल एटमोस्फिर प्रेशर तो एक तरीके से रॉन्ग एटमोस्फिर प्रेशर आता सॉरी एक तरीके से रॉन्ग एटमोसफेर प्रेशर आता और उसे बोलते हैं हम फॉल्टी बैरोमीटर तो सर अब बात आती है तो मरकरी यूज कर रहे हैं तो वैक्यूम ही होगा नहीं वैक्यूम होगा हमने तो एग्जाम्पल लिया अब मान लो आप मरकरी ना यूज करके कोई और लिक्विड यूज करते मान लो एनी इफ एनी अदर लिक्विड इज यूज इफ एनी अदर लिक्विड विच इज वॉलोटाइल is used is used then reading of barometer will be wrong because vapors of Liquid will be present in vacant space above that liquid in capillary tube. So, if any other liquid which is volatile is used, then reading of the barometer will be wrong because vapors of the liquid will be present in the vacant space above the liquid, above that liquid in capillary tube, so faulty barometer. So that is called faulty barometer. That is called faulty barometer. So this concept of barometer. बैरोमीटर में हमने ये जो पॉइंट था ये बड़ा यूजफुल पॉइंट था कि वाई मर्करी इज यूज जगह कोई और लिक्विड यूज करेंगे तो इस वैकेंट स्केस के अंदर वो वॉलेटाइल होगा तो उसकी आ जाएंगी एंड दैट विल कॉज एक्स्ट्रा प्रेशर रीडिंग विल बी लेस ऑफ द बैरोमीटर फॉल्टी एटमोसफियर प्रेशर विल मेजर्ड दैट्स वाई वी कॉल इट फॉल्टी बैरोमीटर